एक्शन। दोस्तों पंजाब दे विच चिट्टे करके लगातार नौजवानों दीयां मौतां हो रही हैं। बड़ियां दर्दनाक दिल दहला देने वाली खबरां आए दिन सामने आ रही हैं। पंजाब की यह हालत कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदौलत है, जिन्हें कांग्रेस सरकार बनने तो पहला गुटका साहब से हाथ रख के सहु खांदिया यह वादा किया कि पंजाब दे विचों कुछ हफ्तों में नशा मैं खत्म करूँगा। उन्हें वादा किया कि पंजाब के घर घर के सरकारी नौकरी एक जी नूं दित्ती जाऊगी। उन्हें वादा किया कि अकाली भाजपा सरकार द्वारा की हुई गुंडागर्दी पंजाब च खत्म की जाऊगी। ये सारे वादे तो बड़ी बेशर्मी नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सर मुकर चुकी आ। नतीजन नशा करके घर उजड़ रहे हैं, हुण हार नौजवानों दीयां मौतां हो रही, गुंडागर्दी का नंगा नाच फिरोजपुर जिले च नचिया जा रहा, पंजाब के होर पिंडा शहर च लगातार गुंडागर्दी कांग्रसी मचा रहे हैं। पंजाब दे विच डिग्रियां चुकी नौजवान दर दर दियां ठोकरां खाण वास्ते मजबूर आ। तां इस हालात ने पंजाब दे लोकां नूं मजबूर किया कि पंजाब दे लोक सड़कां ते आउण। असीं स्वागत करते हैं कि पंजाब दे विच लोकां ने 1 जुलाई तो लैके 7 जुलाई तक काला हफ्ता चिट्टे दे खिलाफ मनाउण दा ऐलान किया, पर इस हालात दे विच इस स्थिति दे विच कुछ क गल्लां जिहड़ियां सानूं ध्यान च रखणियां पैणगियां। वध तों वध हालात इस कदर बन जा रहे आ कि रामपुरा फूल दे इक पिंड दे विच नौजवान की नशे करके मौत होई, नौजवान का संस्कार किया गया। संस्कार करन तों बाद दोबारा गुरद्वारे तों अनाउंसमेंट आउंदी आ कि नौजवान के शरीर का जिहड़ा उपरला हिस्सा और चंगी तरह सड़िया नहीं, उहदा संस्कार नहीं हो पाया, दोबारा संस्कार किया जाऊगा। क्योंकि नशे करके चिट्टे करके जिहड़ा शरीर का उपरला हिस्सा वह प्लास्टिक की तरह बन जाता। पंजाब की दर्दनाक हालात इस कदर जदों बने हुए आ, मंग करदे आ कि असी इहदे बारे सिर जोड़ के सोचिए बैठ के। बड़ी त्रासदी की गल यह आ कि पंजाब दे विच मसले उठते आ, लोग बोलते आ, हफ्ता बोलते आ, महीना बोलते, उदू बाद चुप कर जाते आ, मसले आपकी थान पर उस तरह खड़े रह जाते आ। असी वधाई दें, स्वागत करते हैं इस चीज़ का कि ये खिलाफ़ लोग सड़कों पर आने जा रहे हैं, पर सानू यह सोचना पड़ेगा कि असी ही वो लोग आ जिहड़े शॉर्ट टाइमर बन गए हैं। असी कोई पंजाब का मसला उभरदा उहदे ते बोलते हैं, फेसबुक तो लाइव होंने तो उदू बाद चुप कर जाने, पर इहदा मतलब यही नहीं है कि मामला हल हो जाता। TDF गारना शुगर मिल ने ब्यास दरिया के सीरा लाया, मच्छियां मरियां, बहुत सारे लोगों ने यह किया कि मरिया मच्छियां ने संकेत दिता पंजाबियों को कि वह संभल जाण, जुलम के खिलाफ सड़कों पर आन। सरकार ने पानी का पद्धर वधाता, सीरा जिहड़ा सीगा दिखना बंद हो गया, लोगों ने बोलना बंद करता। इहदा मतलब यही नहीं है कि पानी प्रदूषित नहीं किया जा रहा। अज भी पंजाब दीयां वड्डियां फैक्ट्रियां मुनाफे वास्ते लोगों नूं मौत वंड रही, पानी नूं लगातार प्रदूषित कर रही। नशे के खिलाफ असी बोलन जा रहे हैं, ये ना होवे कि इस बार भी असी बोलीए, महीना बोलीए, हफ्ता बोलीए, उदू बाद चुप कर जाइए, नशे का मसला आपकी थान पर उस तरह खड़ा रह जाए। सानू यह सोचना पेगा कि नशे करके मौतां भी हो रही, इस तो बिना भी नशे ने समाज का पंजाब का ताना बाणा विगाड़िया होया। नशे करके पंजाब लगातार एक्सीडेंट हो रहे, नशे करके परिवारों के तलाक हो रहे, नशे करके औरतां धीआं अदालतों ने डर डर दीआं ठोकरां खाण वास्ते मजबूर आ, नशे करके परिवार के स्यापे कलेश वसदे जा रहे, नशे करके नौजवान आपस के लड़ रहे, एक दूजे नूं मार रहे, एक दूजे दीआं जानां दे वैरी बने हुए आ, गैंगवार वाले पासे नूं जा रहे आ। जदों नशे की हालात इस तरह के पंजाब दे विच बने हुए आ, तां इह सानूं मजबूर करदे आ कि असीं कल्ला विरोध ना करिए, कल्ला इह ना कहीए कि चिट्टा खत्म होना चाहिए। पहला अकालियां दे खिलाफ़ बोलते रहे, हुण कांग्रेसियां दे खिलाफ़ बोल रहे हैं, इदां सानूं बहुत साल बहुत सदियां लग जाएंगे, मसले की जड़ सानूं समझ नहीं आऊगी। सानूं जदों अज नशे के खिलाफ लोग सड़कों पर आने जा रहे हैं तो इहदी जड़ लाजमी तौर पर पछाननी पेगी। इहदी जड़ जे पिछे जाके वेखिए पंजाब का हरा इनकलाब आ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ, जिहड़ा ये कह के लिया गया कि पंजाब के लोग खुशहाल हो जाएंगे, फसलों का झाड़ वाजूगा, पर असल दे विच मल्टीनैशनल कंपनियां नूं मुनाफा पहुँचाउण वास्ते, पंजाब की जनता नूं वेलिया करन वास्ते, पंजाब की जनता नूं उजाड़न वास्ते हरा इनकलाब पंजाब च लिया गया सीगा। हालात लोगों के सामने आ, नतीजे लोगों के सामने आ,
कि हरा इनकलाब आ जाण दे नाल मशीनीकरण खेतां दे विच आया, जिहड़े हत्थ खेतां दे विचों वेले होए उन्हां नूं काम देण वास्ते पंजाब दे पिंड लोकां नूं इंडस्ट्रियां फैक्टरियां नहीं दित्तियां गईयां, जिहदे करके हत्थ वेले होए ते जिहड़ा वेलणपुणा सी, जिहड़ा वेला मन सीगा, हाकमां ने उन्हां वास्ते नशे परोसे, उन्हां वास्ते नशे सिट्टे ते नौजवान नशे वाले पासे लगे आ। पंजाब दे विच ढेरां लोक डिग्रियां करके डिग्रियां चुकी फिरदे आ, नौजवानों ने आस ही सानू नौकरियां मिलनगियां, पर पंजाब दे विच सरकारी अधिकारियां दा अदारियां दा भोग पारिया जा रहा, निजीकरण सरकारी अधिकारियां दा अदारियां दा लगातार किया जा रहा, जिहदे करके नौजवानों वास्ते नौकरियां बचियां नहीं, खेती दे विचों वेले हो गए, निजीकरण हो गया, सरकारी नौकरियां बचियां नहीं, तां नौजवान नशे वाले पासे लगे आ। सानू इहदी जड़ लाजमी तौर पर पछाननी पऊगी, जे असीं इहदी जड़ पछानांगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਸਿਧਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।